हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों फाइनली आज मैं हूँ साउथ गोवा के फेमस बीच में है। ये बीच साइड का एरिया है। आज स्पेशली मैं साउथ गोवा में हूँ, तो साउथ गोवा का करंट सिचुएशन, बीच साइड का अपडेट, शेक रेस्टोरेंट वगैरह सारे आपको बताने वाला हूँ। आप अगर इस दौरान साउथ गोवा आ रहे हो तो क्या सारी चीज़ें आपको मिलेगा, और नॉर्थ गोवा का भी अभी का स्टेटस और वेदर का कंडीशन भी ये वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा, और आपका अगर गोवा टूर प्लान है, टूर प्लान आइटनरी इसका पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं बीच साइड में हूँ, थोड़ा आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले मैं आपको वेदर का बता देता हूँ। शॉर्ट में वेदर यहाँ पे अभी कंटिन्यू बारिश हो रहा है, एक हफ्ते से यहाँ पे कंटिन्यू बारिश चल रहा है। बीच बीच में गैप आ रहा है, जैसे कि अभी देख रहा हूँ, अभी मैं शूट कर रहा हूँ, अभी बादल है, दो तीन मिनट पहले बारिश होके गया, तो बारिश कंटिन्यू है। जुलाई और अगस्त को आपको ऐसे बारिश देखने को मिलेगा। और बीच आपको दिखाता हूँ, ऐसा स्टेटस है, ये देखो बीच का, अभी आपको दिखाऊं तो बीच है ही नहीं, पूरा पानी ऊपर तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ये साइड में भी सेम सिचुएशन है, देखो बीच है ही नहीं, पूरा पानी ऊपर तक आ रहा है, और सारे शेक अभी बंद है। ये लाइव सिचुएशन अपडेट आपको दे रहा हूँ। साउथ गोवा के ऑलमोस्ट सारे बीच आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। अपना यहाँ पे ग्रुप है, वो लोग थोड़ा फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं आके एक टूटा हुआ बोट में बैठा हूँ, यहाँ पे बात करेंगे, बीच साइड में हूँ। सो ये अभी का साउथ गोवा का स्टेटस है। कोलवा और बेनावलिम साइड आया था, दोनों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल सेम सिचुएशन है। बीच साइड में कोई भी शेक नहीं है, कोई भी नाइट लाइफ नहीं है, वाटर स्पोर्ट्स भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसको लिए जो फॉरेस्ट एरिया टाइप है उसके ऊपर मैं ये वीडियो लाइव अपडेट आपको कर रहा हूँ। तो ये है साउथ गोवा, और नॉर्थ गोवा में अभी कंटिन्यू बारिश चल रहा है। आगे जो मुझे दिख रहा है ना समुंदर में, बड़ा बारिश आने वाला है पूरे ये साइड में। देखो एक डिफरेंस आपको दिखाता हूँ, और ये साइड का एरिया देखो पूरा बादल ढक गया है, अभी काला बादल, बारिश आ रहा है, ये साइड से बारिश आ रहा है। तो ये सिचुएशन है, और बीच साइड में हमारा वहाँ पे दोस्त बैठे हैं। वाह, ये है बीच साइड का नज़ारा। तो ये है साउथ गोवा का सिचुएशन दोस्तों। ओ, पानी कहाँ तक आ रहा है, देखो ऊपर तक। तो अभी शुरू हो गया है बारिश, जैसे ही मैं आपको बता रहा था बारिश आने वाला है, आ गया है। हम लोग यहाँ पे एक झोपड़ी में रुके क्योंकि हो रहा है बारिश। तो ये है गोवा का बारिश का स्टेटस, कभी भी आता है, और बारिश ऐसा ही है, आधे घंटे आपको गैप मिलेगा और उसके बाद बारिश आता ही है। सो ये है सिचुएशन अभी का। आप अगर गोवा टूर प्लान कर रहे हो तो ऐसे मौसम में आपको थोड़ा बारिश, हल्का ख़त्म हुआ है पर गिर रहा है, अभी भी बारिश गिर रहा है। तो ये है सिचुएशन दोस्तों साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा का, बारिश है। ओ ये है बारिश, भागो भागो, बारिश है रे बाबा। हाँ, इधर पता नहीं चल रहा था क्योंकि इधर ये जो शहर है ना, इसकी वजह से पता नहीं चल रहा था, उधर बारिश है। सो फाइनली गाइज, मैं अभी घर पे हूँ। यहाँ से आके आपको अपडेट इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैं दो तीन दिन से साउथ गोवा में था। साउथ गोवा कोलवा बेनावलिम के पास स्टे किया हुआ था। वहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन ऐसा था, कंटिन्यू बारिश था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। बारिश था, हवा तेज चल रहा था। एक दो फुटेज है, मैं जब एडिट कर रहा था मैं सोच रहा ऐड करूँ करके, उसमें एक तो फुटेज क्लियर नहीं है, बारिश गिर रहा था, पूरा बादल था, काला काला दिख रहा है, और सेकेंड में हवा बहुत तेज है, वॉइस भी क्लियर नहीं है, तो इसकी वजह से ये फुटेज ऐड नहीं कर पाया। मैं सोचा बिल्कुल आपको जाके घर पे जो सिचुएशन मैंने देखा साउथ गोवा का, मैं कोलवा बीच गया, बेनावलिम वारका बीच गया, तो अभी का क्या सिचुएशन है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप अगर साउथ गोवा के प्लान कर रहे हो, आपके दिमाग में है कि गोवा टूर कर रहे हैं तो साउथ गोवा भी हम थोड़ा विजिट करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कैसा सिचुएशन अभी का है ये आपको पता चलेगा। ये जो रहेगा सिचुएशन मैं अभी बताने वाला हूँ, ये आपको सेप्टेम्बर तक सिचुएशन रहेगा, हालाँकि बारिश कम होगा पर ऐसे ही रहेगा सिचुएशन। तो पहले बात करते हैं कोलवा बीच। कोलवा और बेनावलिम बीच जो है मारगांव सिटी के पास है, 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रेलवे स्टेशन है। इसके वजह से यहाँ पे मुझे थोड़े लोग दिखे, यहाँ पे क्राउड थे। बीच साइड में आप जा तो सकते हो, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, कोई भी शेक नहीं है, और बारिश हो रहा है ना तो आपको बीच साइड में पानी में भी जाने नहीं दिया जाएगा। वारका बीच में तो आपने वीडियो में देख लिया, कोई भी नहीं था वहाँ पे, और बीच है ही नहीं, पूरा पानी ऊपर तक आ रहा है, जो देवदारू या पाइन ट्रीज उसके ऊपर तक पानी आ रहा है, जैसे आपने वीडियो में देखा। तो ये सीन अभी चल रहा है,
कोलवा बीच और जो बेनावलिम बीच के एंट्रेंस में कुछ रेस्टोरेंट है, ये बिल्कुल ओपन है, आपको फूड ड्रिंक्स वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि लिमिटेड है वहाँ पे, तो इसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। एंट्रेंस के एरिया में थोड़ा बहुत शॉप आपको मिलेगा शॉपिंग के लिए, ये ऑप्शन बिल्कुल है। वारका बीच में कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली बंद जैसा है। नेक्स्ट है काबोदराम फोर्ट। काबोदराम फोर्ट आप विजिट कर सकते हो, मॉनसून के दौरान व्यू आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बीच है, हालांकि बीच के लिए थोड़ा आपको ट्रैक करना पड़ेगा, पर वही है, बीच में आपको कोई नहाने के लिए नहीं मिलेगा, एक्टिविटीज़ बंद होगा और रेस्टोरेंट भी अभी ज़्यादा करके लिमिटेड होगा साउथ गोवा में। और आगोंडा पालोलिम बीच का सिचुएशन सेम है, हालांकि मार्केट में सारे शॉप वगैरह आपको ओपन मिलेगा, सारे शॉप ओपन है। बीच फ्रंट कॉटेजेस हर्ट्स रिजॉर्ट वगैरह अभी आगोंडा बीच पर भी बंद है, पालोलिम बीच पे भी बंद मिलेगा। होटल मिलेगा आप सिटी एरिया में अगर ढूंढोगे तो आपको होटल मिल जाएगा इस दौरान। तो ये सीन चल रहा है पालोलिम बीच का, जो कायाकिंग एक्टिविटी फेमस है ये बंद है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। अभी बात करते हैं साउथ गोवा आपको जाना चाहिए या नहीं। देखो सिचुएशन क्या है आपको बताता हूँ, आप ठीक से समझिएगा। कलंगुट बीच से अगर मैं कोलवा बीच का डिस्टेंस आपको बताऊँ तो 45 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ता है। ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है कोलवा और बेनावलिम, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होते हैं। वहाँ से नेक्स्ट जो फेमस प्लेस है ये काबोदराम फोर्ट है। काबोदराम फोर्ट का जो डिस्टेंस है ये कोलवा से 30 किलोमीटर फिर से आपको जाना पड़ेगा। काबोदराम फोर्ट से फिर से आप अगर आगोंडा पालोलिम के लिए जा रहे हो, वहाँ से फिर से आपको 25 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस है, जो प्लेस का जो डिस्टेंस है एक दूसरे में, ये बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप अगर टैक्सी से जा रहे हो तो 4 से 5 हज़ार आपको एक दिन का लग जाएगा। आप अगर फोर व्हीलर से जा रहे हो तो अप एंड डाउन जो है पालोलिम बीच टू कलंगुट का, मैं अगर बताऊँ तो अप एंड डाउन आपको लगभग 150 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे और उधर जाने के बाद ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रहा है, ना शेक आपको मिल रहा है, ना वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है, पानी में आपको जाने को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपका मूड ऑफ हो सकता है। तो इसके हिसाब से आप अपना प्लान करें। और आप बाइक ट्रैवल कर रहे हो तो बारिश हो रहा है, इतना दूर आप बारिश में ट्रैवल करके जाओगे और उधर जाके आपको अगर कुछ एक्टिविटीज़ नहीं मिल रहा है, तो अब देख लीजिएगा आपके हिसाब से, फिर आप प्लान करें। आपको अगर जाना है तो जा सकते हो, नहीं जाना है तो आप नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करके जा सकते हो। नॉर्थ गोवा अभी के टाइम पे हैपनिंग क्यों है आपको बता रहा हूँ। बीच साइड में तो सेम है, आप नॉर्थ गोवा में हो या फिर साउथ गोवा में, बीच तक जा सकते हो, मौसम अच्छा रहेगा तो बीच में वॉक कर सकते हो, थोड़ा बहुत पानी में भीगने को नॉर्थ गोवा में मिलेगा ऑप्शन। साउथ गोवा में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है जैसे आपने देखा, और क्राउड भी कम रहेंगे, बीच साइड रेस्टोरेंट जो है बहुत लिमिटेड है, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है साउथ गोवा में। नॉर्थ गोवा में बहुत सारे एक्टिविटी का ऑप्शन है, आप कैसीनो जा सकते हो, बोट क्रूज जा सकते हो, आपको अगर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है तो बैक वाटर एक्टिविटीज हो रहा है ये जा सकते हो, बहुत सारे चर्च है, क्लबिंग कर सकते हैं टिटोस लेन में। तो नॉर्थ गोवा में आपको ना बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, ऑफ सीजन होने के बाद भी ऑप्शंस आपको नॉर्थ गोवा में ज़्यादा मिलेगा। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, आप अगर गोवा टूर प्लान कर रहे हो नॉर्थ गोवा अभी के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और स्टे, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं स्टे कहाँ पे करना है, अभी आप कलंगुट बागा साइड में कर ले, 1500 से 2000 तक आपको रूम मिल जाएगा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो बहुत सारे नॉर्थ गोवा में। सो गाइज, ये था अभी का साउथ गोवा का सिचुएशन, मैंने आपको बताया। मैं बहुत ट्राई किया था एक्चुअली जाके उधर सारे प्लेस कवर करूँ करके, पर मौसम ऐसा था, मैं प्लेस तो गया था शूट नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, हम जब प्लेस में थे उस टाइम बारिश आ रहा था तो मैं शूट नहीं कर पाया, पर जाके सारे प्लेस में समझा देखा, उसके बाद मैं सोचा बिल्कुल आपको अपडेट कर दूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि साउथ गोवा का भी कुछ दिखाओ या फिर अपडेट करो करके, क्या करना है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें उनका मन में रहता है ना, नॉर्थ गोवा भी तो देख लिया, थोड़ा बहुत साउथ गोवा भी घूम के आ जाते हैं, तो उनके लिए ये आपको बता दिया है, ये सीन चल रहा है साउथ गोवा में, आप अपने हिसाब से प्लान करके बिल्कुल टूर कर सकते हो। राइट, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपको जानना है बिल्कुल मुझे कमेंट करें। इंस्टा पे आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि टूर प्लान कैसे करें, गाइड करो करके, हमारा 4 दिन का प्लान है तो कैसे करें, कौन से प्लेस घूमें, क्या एक्टिविटीज़ करें, बहुत सारे कमेंट्स आता है इन दिनों। तो आपके लिए ये है,
डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे टूर प्लान आइटनरीज के पीडीएफ फाइल मैंने अटैच करके रखा है, बहुत सारे आपके डे के हिसाब से है, 3 डेज का प्लान कैसा होना चाहिए, 4 डेज का कैसा होना चाहिए, 5 डेज नॉर्थ गोवा साउथ गोवा का प्लान कैसा होना चाहिए, सीजन टाइम पे आपका प्लान कैसा होना चाहिए, ऑफ सीजन का प्लान कैसे होना चाहिए, ये डिटेल पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करें और आप यूज़ कर सकते हो अपने गोवा टूर प्लान के लिए, राइट। सो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, धन्यवाद।